करते हैं अपन, ठीक है? सारे लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पढ़ने के लिए रेडी? आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। लॉजिकल वेन डायग्राम्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो आप लोग जल्दी से रेडी हो जाइए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए। सेशन को स्टार्टिंग हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, विक्की जी बहुत बहुत आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस विक्की जी, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। लाइक शेयर कर दिया, चलो फिर क्या बात है। जब तुम लोगों ने कर ही दिया है तो कोई टेंशन ही नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं अभी अपन, ठीक है ना? तो आज जो आप लोगों के इंपॉर्टेंट चैप्टर सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं एसएससी के चैप्टर में, लॉजिकल वाला भी और यहाँ पर लॉजिकल वेन डायग्राम्स भी, वो भी हम लोग करने वाले हैं, ठीक है? चलिए, बहुत ही गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइज, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो सबसे पहले तो आप ये देखो, ये टेलीग्राम का चैनल है हमारा, इस पे आप ज्वाइन कर लो, आपको हर क्लास का लिंक मिलेगा, चाहे वो ये वाली क्लास हो, चाहे इसी के बाद 11 बजे वाली क्लास रहे, ठीक है? चाहे आपकी रात की 9 बजे वाली क्लास रहे या शाम के 4 बजे वाली क्लास रहे, ये दोनों आपकी यूट्यूब क्लासेस है। रात के 9 बजे सुबह के 10 बजे इसी चैनल पर होती है, वाईफाई स्टडी पर। यूट्यूब पे अन अकेडमी पे हमारी क्लासेस होती है मॉर्निंग में 11 बजे, शाम को 4 बजे रहती है, ठीक है? ये हमारी अन अकेडमी क्लासेस है जिसमें आप मेरा नाम सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो, कोड आपको रितिका 10 लगाना है, फ्री क्लास है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन से आपको प्लेलिस्ट भी मिलेगा और अन अकेडमी का लिंक भी लगा होगा, ठीक है? एसएससी और रेलवेज के कोर्सेज के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। कॉम्पीट आप लोग अगर करोगे तो बैटल है ये, 1x1 का लाइव बैटल है, आप इसे ज्वाइन करें, ठीक है? अन अकेडमी पर बिल्कुल फ्री है। प्लस के कोर्सेज पर जाने के लिए 20% का डिस्काउंट हो जाएगा आपका, रितिका 10 आप कोड लगा सकते हैं और अपने कोर्सेज को ज्वाइन करें। ये हमारे क्लासेस का समय लिखा है वाईफाई स्टडी का, इसी चैनल का, सुबह और शाम का। ये अन अकेडमी का क्लासेस टाइमिंग लिखा है, मॉर्निंग में 11 बजे, शाम के 4 बजे। चलिए रेडी करें, जल्दी जल्दी सवाल करेंगे, देखते हैं आज कितने लोगों की प्रैक्टिस है, तो आगे चलते हैं। बढ़िया, पढ़ाई करें और क्या करें। मैडम मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बताइए कुछ क्या करें। पढ़ाई करेंगे और क्या करेंगे, पढ़ाई करनी पड़ेगी, और तो कुछ कर ही नहीं सकते अपन, है ना? मेहनत और करें, थोड़ा सा मेहनत को बढ़ाएं अपना टाइम टेबल में और चेक करें। चलिए देखिए गाइस, लॉजिकल वेन डायग्राम्स के जो 3 से 4 सवाल हैं वो हमारे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है? अब हमें यहाँ 3 से 4 शब्द भी दिए जाते हैं, उनके बीच में आपस में क्या रिलेशन है वो हमसे पूछा जाता है, उनके बीच का आपस में क्या रिलेशन है वो हमसे पूछा जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा समझा देना चाहती हूँ कि जैसे आप लोगों का ये वाला है, ये फिगर, इसका मतलब ये है कि तीनों का आपस में रिलेशन है, ए का बी से, बी का सी से और सी का ए से, ठीक है? अगर मान लीजिए ऐसा वाला बनाया हुआ है, जैसे ए है और बी है, इसका सेंस पता है क्या होगा, इसका सेंस पता है क्या होगा? इसका मतलब समझना क्यों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमसे बनता नहीं है, ठीक है? इसका मतलब ये, जैसे पूरा का पूरा ए का जो भाग है वो बी के अंदर है। इसका एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे मैंने कहा पूरा का पूरा आगरा है ना, जैसे मैंने कहा आगरा, पूरा आगरा भारत के अंदर है, ठीक है? लेकिन इसका उल्टा कभी भी फॉलो नहीं करता है, ध्यान दीजिएगा। ये सीधा तो फॉलो करता है लेकिन उल्टा कभी फॉलो नहीं करता। आगरा भारत के अंदर है लेकिन भारत आगरा के अंदर नहीं है। तो जब भी हम लोग ये वाला डायग्राम बनाएंगे, छोटी चीज़ को अंदर करिएगा और बड़ी वाली चीज़ को बाहर करिएगा। ए का पूरा पार्ट बी में है लेकिन बी का पूरा पार्ट ए में नहीं है। इसका क्या सेंस है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस वाले का है ना, कि ए का कुछ पार्ट बी में है, बी का कुछ पार्ट सी में है, सी का कुछ पार्ट ए में है, इस तरीके से यहाँ पे बन सकता है। तो ये वाला डायग्राम जो आता है आप लोग इसको फॉलो करिए। अब इस वाले में और इस वाले में भी क्या फ़र्क है वो भी देखो थोड़ा, इन दोनों में फ़र्क है भी या नहीं ये बताओ पहले मुझे, ए बी सी, ये वाले में और ये वाले में, बोलो भाई। इस वाले में पता है क्या डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जहाँ ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, वहाँ ए का सिर्फ बी से रिलेटेड है और बी का सिर्फ सी से रिलेटेड है, ए और सी आपस में रिलेटेड नहीं है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, मेल है, फीमेल है, ठीक है, और मान लीजिए कि ग्रेजुएट है, ठीक है? तो कुछ मेल ग्रेजुएट हो सकते हैं, कुछ फीमेल ग्रेजुएट हो सकते हैं, सारे भी नहीं हो सकते, और बीच में ग्रेजुएट आ जाएगा और मेल फीमेल अलग रहेगा, ठीक है? तो ये थोड़ा सा जो हमारे डायग्राम्स रहते हैं ना, इनका हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मेन पार्ट ये कि हमें ये समझ नहीं आता तो फिर हम आंसर नहीं कर पाते। चलिए एग्जांपल लेते हैं कुछ, है ना, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, उसके हिसाब से फिर करेंगे अपन, ठीक है? चलिए अब आप लोग के सामने सिर्फ एग्जांपल्स आ रहे हैं, आप लोग आंसर करते जाइएगा। ए बी सी, 3-4 ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी,
बताते जाओ, हरियाणा भारत और एशिया का डायग्राम क्या बनेगा, जल्दी जल्दी करना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हो गया, चले करते हैं इसको। सबसे पहले आप लोग ये देखो, बिल्कुल हरियाणा जो आता है वो भारत के अंदर आता है कि नहीं। हरियाणा छोटा है, भारत बड़ा है। हरियाणा आता है भारत के अंदर, और भारत पूरा किसके अंदर आता है, एशिया महाद्वीप के अंदर। तो ऐसे वाला बनेगा कि नहीं, इसमें मैंने कहा था सबसे छोटे वाले को सबसे अंदर रखा करो, उससे बड़ा वाला और फिर उससे बड़ा वाला। तो इसमें आप लोगों ने ये आंसर बनाया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से, चलिए टाइमर के हिसाब से करते जाइएगा। कंट्री लिखा है, विलेज लिखा है, स्टेट लिखा है, देश, गांव और राज्य। साउंड बिल्कुल सही चल रहा है, आप लोग के मोबाइल से प्रॉब्लम होगा, चेक कर लो अपना मोबाइल, मेरे तरफ से साउंड बिल्कुल ओके है, ठीक है। बाकी लोगों को आ रहा है ना, बस तो फिर आपके साइड से प्रॉब्लम है क्योंकि बाकी सबको तो आ रहा है। चले हो गया, यहाँ पर डन हो गया। देखो यार, कंट्री लिखा है, विलेज, इसका भी वही बनेगा कि जितने भी आपके विलेज गांव होते हैं वो सब एक राज्य के अंदर होते हैं, क्योंकि कोई ना कोई गांव किसी ना किसी राज्य में तो आएगा ही। और राज्य हमारा किसके अंदर होता है, कंट्री, देश के अंदर। तो ये वाला बनेगा, सबसे बड़ा देश, उससे छोटा राज्य, उससे छोटा विलेज, ये भी बन जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ बनाते जाओ। चलो ये 3 से 4 नंबर के सवाल करा रही हूँ मैं, आते ही आते हैं। ये 3 से 4 नंबर के सवाल करा रही हूँ जो आते ही आते हैं आप लोगों के, ठीक है। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए फैमिली के अंदर गाइस दोनों आते हैं, एक फैमिली में हर कोई होता है, बेटा, बेटी, पति, पत्नी। तो लेकिन मैंने हमेशा बताया हस्बैंड और वाइफ को अलग रखिए, बिकॉज एक मेल है एक फीमेल, ये लॉजिक बनेगा। नहीं, इसमें बी वाला नहीं बनेगा, इसमें भी बी वाला बना रहे हो। नहीं, इसमें बी नहीं बन सकता है, हस्बैंड के अंदर वाइफ आएगी, वाइफ के अंदर हस्बैंड, ऐसा नहीं होगा ना। हस्बैंड एंड वाइफ को हमें अलग रखना पड़ेगा क्योंकि एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों फैमिली का पार्ट है, इसका आंसर डी बनेगा। चलिए नेक्स्ट करिए, क्रिकेट है, चेस है, हॉकी है, बताइए। चलिए डन हुआ इस वाले का, हो गया होगा, ज़्यादा कठिन तो है नहीं, ये वाला इजी था, तो डन हो गया होगा इस वाले का, है ना। चलिए करें, देखिए गाइस जब भी नेम्स आते हैं ना, नाम लिखा हो, जैसे किसी शहर का नाम है, ठीक है, किसी पेशे का नाम लिखा है ना, किसी शहर का नाम लिखा हुआ है, किसी देश का नाम लिखा हुआ है, गेम्स का नाम लिखा हुआ है, तो वो हमेशा अलग अलग रहता है, सेम नहीं आएगा कभी, अलग अलग रहेगा हमेशा, ठीक है, हमेशा अलग अलग रहेगा, सेम नहीं होगा। जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट अलग गेम है, चेस एक अलग गेम है, हॉकी एक अलग गेम है। आगे बात समझ में, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए, एक और एग्जांपल बता रही हूँ आप लोग बताइएगा। वाटर लिखा हुआ है, मान लो साल्ट लिखा हुआ है, शुगर लिखा हुआ है, पानी, नमक और शक्कर, इसका डायग्राम क्या बनेगा बताइए, इन चारों में से ही एक आंसर है, ठीक है। जो कॉमन नेम्स, प्रॉपर नेम्स होते हैं ना, प्रॉपर नेम जो किसी का नाम हो, तो वो जो होते हैं उनके अलग अलग डायग्राम्स बनते हैं, ठीक है। हाँ, रोज इस टाइम पे क्लास होती है, बिल्कुल होती है दिव्यांशी जी, इस टाइम पे भी होती है, रात को 9 बजे भी होती है। क्लॉक एंड कैलेंडर शाम की क्लास में चल रहा है 2 दिन से, रात को 9 बजे वाली में,
दो दिन से चल रहा है क्लॉक एंड कैलेंडर शाम की क्लास में, ठीक है। शाम को भी आइए 9 बजे भी, इस टाइमिंग पे भी आइए। कम से कम रीजनिंग में 2 घंटे प्रैक्टिस तो पर डे चाहिए ही ना। इस वाले में जो चैप्टर चल रहा है, शाम में अलग चैप्टर चल रहा है, इधर अलग चल रहा है, तो आप दोनों 2 घंटे क्लास कर लो तो आपका ही बेटर है। सुबह में 10 बजे क्लास रहती है, रात को 9 बजे रहती है। दो दिन से वहाँ पे कैलेंडर पढ़ रहे हैं अपन, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है। हो गया SSC GD का क्लास, यही चल रहा है जो अभी है वो चल रहा है SSC का। अब देखो, वाटर पानी अलग है, साल्ट अलग है, नमक अलग होता है, शुगर अलग होता है, तीनों का ये वाला बनेगा डायग्राम, ठीक है। अब आप लोग कहोगे A क्यों बनेगा, हाँ देखो कुछ है महानुभाव जो A आंसर बना रहे हैं, हाँ क्योंकि इसको तीनों को मिलाकर ORS का घोल बना लेंगे, नींबू पानी बना लेंगे। गधे, ये वर्ड तो बोलना ही पड़ेगा भाई, ऐसे तो मिला के कुछ भी बना सकते हो दुनिया में, लेकिन उसका जो स्वरूप है, मूल स्वरूप, उसका जो नेचर है, प्रकृति से वो हमें चीज़ जो मिली है, प्रकृति से हमें पानी अलग से मिला हुआ है, नमक में मिक्स करके नहीं मिला हुआ, मिक्स तो कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। नमक अलग है और चीनी अलग होती है, जो उसका मूल स्वरूप है ना वो अलग है, तो आपको उसका अलग बनाना है, ठीक है। ऐसे तो हम कुछ भी मिक्स कर सकते हैं यार, है ना, ऐसे तो तुम सब मिक्स करके नींबू पानी बना लोगे, खिचड़ी सब्जी बना लोगे, फिर तो तुम लोग टमाटर। अभी मैं मान लो बोलूँ एक हम डायग्राम बनाऊँ, चलो मैंने आपसे कहा एक डायग्राम बनाइए, मैंने आपसे कहा टोमेटो है ना, पोटैटो, टमाटर, आलू, ठीक है, और चलो इन दोनों का ही बना लेते हैं, तो बताओ इन दोनों का क्या बनेगा, ये वाला बनेगा या फिर नीचे वाला बनेगा, बताइए कौन सा बनेगा इन दोनों का, बताइए भाई कौन सा बनेगा, बताओ तुम ही लोग बता दो दिमाग लगा के। हाँ ऐसे तो तुम लोग खिचड़ी बना दोगे, सब्जी बना दोगे। अब तुम लोग कहोगे मैडम टमाटर की और आलू की मिला के सब्जी बना लेते हैं तो ये बन जाएगा, कुछ आलू टमाटर है कुछ टमाटर आलू है, ऐसा थोड़ी होता है, गलत भैया। टमाटर सब्जी एक अलग है, पोटैटो एक अलग सब्जी, मिला के तो तुम कुछ भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो इस बात को समझिए, दिमाग में डालिए थोड़ा सा। तो जो अभी मैंने पढ़ाया आप लोगों को वो ये था कि पानी का, साल्ट का और शुगर का ये डायग्राम बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, ठीक है। आगे आइए थोड़ा और समझिए, चलो इसका बताइए। सिंगर यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो गाना गा सकता है, डांसर यानी कि जो डांस करता हो, और लड़कियां, अब बताइए SSC GD की इवनिंग में क्लास होती है रात को 9 बजे से, SSC GD इवनिंग क्लास स्टार्ट्स एट 9 PM डेली। अब इसका क्या बनेगा, देखो डांसर और सिंगर, नाचने वाला और गाने वाला, वैसे अलग अलग लोग होते हैं लेकिन एक भी हो सकते हैं, है ना। कुछ लोग ऐसे भी तो होते हैं जो डांसर हो, जैसे मान लो मैं हूँ, तो मैं मान लो डांसर भी हूँ सिंगर भी हूँ, क्योंकि मैं गाना भी गाती हूँ और मैं नाचती भी हूँ, तो मैं डांसर भी हूँ सिंगर भी, दोनों हो गई, और मैं लड़की भी हूँ तो गर्ल्स भी हो गया। तो इसका तीनों का मिक्सअप करके बनेगा ये वाला। कुछ सिंगर डांसर्स भी हो सकते हैं, कुछ डांसर लड़कियाँ भी हो सकती हैं, कुछ लड़कियाँ सिर्फ सिंगर हो सकती हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं बीच वाला पार्ट जो तीनों होते हैं, कुछ सिर्फ सिंगल सिंगल रहेंगे, कुछ डबल डबल रहेंगे, तो इसका पहला वाला बनेगा, ठीक है। हाँ अगले वाले पे आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। व्हीकल यानी कि साधन, बस और कार, इसका क्या बनेगा चेक करिएगा। हो गया, अरे गधों एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, मैडम आप तो मल्टी टैलेंटेड हो, गधे एग्जाम्पल दे रही थी मैं, उदाहरण दे रही थी। पढ़ाई लिखाई के अलावा इन लोगों को सब कुछ करना आता है, पढ़ाई लिखाई बस मत करवाओ, फालतू बातें करवा लो बस इनसे। अभी तो बन जाएगा ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। देखिए बस जो होती है वो कार तो नहीं होती ना, पहली बात।
तो बस को तो अपन कार से अलग रख देना। कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें बस और कार अलग अलग रहे? ए वाला तो होगा नहीं, बी वाला भी नहीं होगा, सी या डी में से कोई एक हो सकता। अब होता क्या है, ये दोनों ही व्हीकल होते हैं, ये दोनों ही वाहन हैं, तो वाहन के अंदर आ जाएंगे बस भी और कार भी। अगर और कोई वाहन लिखा होता तो भी वो इसके अंदर आता, ठीक है। जैसे मान लो स्कूटर लिखा रहता तो वो भी इसके अंदर आ जाता अलग से, ठीक है। ट्रक लिखा रहता वो भी इसके अंदर आता अलग से, ऐसे। तो इसका आंसर आपका डी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल पोटैटो फूड प्रोडक्ट्स। यहाँ पर वेजिटेबल का मतलब सब्जियाँ हैं, सब्जी बनाइए इसको, गलत मत करिएगा, आप यहाँ से गलत होना शुरू हो जाएंगे। चैप्टर बहुत आसान है लेकिन हो जाते हैं गलत गलत कभी कभी, है ना। विशाल मेरे भाई पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले मेरे भाई, विशाल पढ़ ले, पढ़ ले मेरे भाई, पढ़ ले। हो गया, चलो इसको अपन समझते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है, है ना। एक बात बताओ तुम लोग, अगर मैंने ऐसा बना दिया तो किसी को कोई डाउट है यहाँ पे? क्या किसी को कोई दिक्कत है कि अगर मैंने ऐसा बना दिया तो? क्या किसी को कोई परेशानी है? बताइए, इसमें परेशानी नहीं है तो आगे का समझेंगे ना, इसमें परेशानी नहीं तो आगे का समझ पाएंगे। अब इसमें ए तो बनेगा नहीं, पहली बात तो यही हो गई, ए वाला तो यहाँ पे कैंसिल है, ए नहीं बन सकता, ठीक है, ए तो बनेगा ही नहीं, इसमें कैंसिल हो गया, है ना। बताइए कौन सा वाला, इसमें तो कोई परेशानी नहीं है ना। अगर मैंने कहा दुनिया के सारे आलू सब्जी हैं तो ये तो सही बात है, लेकिन सारी सब्जी आलू नहीं होती, पहले ही बताया था स्टार्टिंग में, जब वीडियो स्टार्ट किया था मैंने तब स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये उल्टा फॉलो नहीं करता है, सीधा फॉलो करता है। आगरा और इंडिया वाला एग्जाम्पल दिया था ना, कि पूरा आगरा भारत के अंदर है, भारत आगरा के अंदर नहीं है, यानी कि पूरे आलू जितने भी हैं वो सब सब्जियाँ हैं, लेकिन सब्जियाँ सारी आलू नहीं होती, ठीक है। अब इसी को अपन फूड प्रोडक्ट्स के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि जितनी भी सब्जियां हैं वो भी फूड प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी खाने की चीज़ें होती हैं, या खाद्य पदार्थ होती हैं, या खाद्य उत्पाद होती हैं, तो डेफिनेटली इसका आंसर बी बनेगा। सी तो बन ही नहीं सकता किसी भी हालत में, सी तो बनेगा ही नहीं किसी हालत में, ठीक है। अब अच्छा, एक और चीज़ जो मैं रोज़ कहती हूँ आपसे, फिर कह रही हूँ, इस जो सवाल कर रहे हो ना, इसका स्कोर लिखते जाना अपना, कि हमारे कितने सही हो रहे हैं और कितने गलत हो रहे हैं, क्योंकि पेपर में तो आएंगे, तो फिर हमारे सही गलत का कितना है वो देखते जाना। चलो अगला क्वेश्चन निकालो। डन हो गया ना, चलिए करें इसको सॉल्व। देखिए यार, एम्प्लॉयर्स वो होते हैं जो नौकरी देते हैं, डॉक्टर्स यार, एम्प्लॉयर्स डॉक्टर्स भी तो हो सकते हैं कुछ, और कुछ डॉक्टर ऐसे हो सकती हैं जो महिलाएं भी हो सकती हैं, और महिलाएं भी एम्प्लॉयर्स हो सकती हैं, तो ये तो पहला वाला हो गया, ये तो पहला वाला हो गया। हाँ, थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनेगा, सही है, चलो ये भी बन गया, वेरी गुड। नेक्स्ट, अब इसको बताओ भाई, एनिमल डॉग और पालतू पशु, पेट एनिमल, पालतू पशु की बात हो रही है, याद रखना इसमें चिड़ियाओं की या बर्ड्स की बात नहीं हो रही है, तो ध्यान से इस वाले को करिएगा आप लोग, ठीक है। पालतू पशुओं की, जानवरों की बात हो रही है, एनिमल्स की बात हो रही है, इसमें बर्ड्स की बात कहीं नहीं हो रही। आप लोग क्या करते हो पता है, ऐसे क्वेश्चंस में कुछ चीज़ों को मिक्स कर देते हो, जैसे मैडम बर्ड्स भी तो होती हैं पेट, तो वो मिक्स नहीं करना है आपको, ठीक है ना। हो गया, तो यार ये तो सब लोग जानते हैं कि डॉग वो होता है ना, तो वो तो एनिमल ही है, कुत्ता तो जानवर है, ये बात तो सबको ही पता है, तो इसमें तो ये बनेगा ही बनेगा, डॉग एनिमल है, लेकिन कुछ ही डॉग ऐसे हैं जो पालतू हैं, पालतू पशु, पालतू पशुओं में और भी पशु आएंगे, डॉग कुछ होते हैं, कुछ डॉग पालतू होते हैं, सारे नहीं होते, और पालतू पशुओं में और भी आ जाएंगे, और पालतू पशु हैं वो एनिमल के अंदर ही आएगा, क्योंकि जो पेट एनिमल है तो एनिमल ही ना, इसमें बर्ड्स की बात तो हो नहीं रही थी, ठीक है। कुछ ही डॉग ऐसे होंगे जो पालतू होंगे, सारे तो होंगे नहीं, कुछ जंगली भी होंगे, कुछ आवारा भी होंगे, और पालतू पशुओं में डॉग के अलावा और भी आ जाएंगे, जैसे कि गाय है,
या जो भी जानवर है वो सभी पालतू होते हैं, ठीक है। जो भी जानवर है उनको हम पाल सकते हैं, कोई भी हो जाए, है ना। जरूरी नहीं कि वो डॉग हो या कैट हो, कोई भी हो वो, उसको हम लोग पेट कर सकते हैं। लेकिन एनिमल की बात हो रही, बर्ड्स की बात नहीं हो रही, इसमें चिड़ियों की बात नहीं हो रही है। सिर्फ जो पूछा है उसका आंसर देना है, जो पूछा है उसके हिसाब से आंसर डी बनेगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइएगा, इस वाले को बताएं। लार्ज हाउस एंड मैन, लार्ज का मतलब बड़ा होता है, हाउस यानी घर, मैन का मतलब इंसान या आदमी। चलिए इसको बताइए, कुछ भी पूछ सकता है, लिविंग थिंग भी पूछ सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी पूछ सकता है। तो मनीष भाई आप कर दीजिए ना लाइक, क्या दिक्कत है, आप मेरे बोलने पे ही लाइक करोगे क्या, बिना बोले कर दो, क्या दिक्कत है, कर दो, आप बिना बोले लाइक कर दो, कोई टेंशन नहीं है। हो गया, चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जो मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ जब स्टार्ट किया था ये क्लास, तो मैंने आपको बताया था कि आप लिविंग थिंग को नॉन लिविंग थिंग के साथ मिक्स नहीं कर दोगे, सजीव चीज़ को निर्जीव चीज़ के साथ मिक्स नहीं करिएगा, मेल फीमेल को मिक्स मत करिएगा, ऐसा मैंने बोला था। तो ये वही वाला है क्वेश्चन एक्चुअल में, है ना। अब देखो होता क्या है कि भाई घर है, घर निर्जीव है, आदमी सजीव होता है, तो आदमी को घर तो अपन बना नहीं सकते, अलग अलग रखना पड़ेगा, एक तरफ घर एक तरफ आदमी, दोनों अलग अलग है, लेकिन बड़े तो दोनों ही होते हैं, बीच में आ जाएगा लार्ज। कुछ घर भी बड़े हो सकते हैं, कुछ आदमी भी बड़े हो सकते हैं, लार्ज आ जाएगा बीच में। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से जो डायग्राम बनना चाहिए था ये अलग है आपका, गलत है ये, इसका आंसर सी बनेगा, ठीक है। कुछ ही आदमी है जो घर हो, कुछ ही आदमी है जो बड़े हो सकते हैं, कुछ ही घर हैं जो बड़े हो सकते हैं, और आदमी कभी घर नहीं बन सकता, क्योंकि एक सजीव है एक निर्जीव है, इन दोनों का बीच में कोई रिलेशन नहीं बनेगा कभी भी, ठीक है। कोई बात नहीं, शिवम सिंह जी डेली आया करिए क्लास में, सब समझ में आ जाएगा। क्लास कब कब होती है, सुबह में 10 बजे होती है, शाम को 9 बजे होती है, इसी चैनल पे। चलो ठीक है, जो भी आपको शब्द दिए गए हैं, जो शब्द दिए जा रहे हैं उनका रियल लाइफ में रिलेशन देखना है, और इन डायग्राम्स में से चुनना है कि उसका सही डायग्राम क्या होगा, ठीक है। इवनिंग में रात को 9 बजे क्लास होती है, बताया तो 9 बजे इवनिंग होता है, इवनिंग में क्लास होती है। चलिए पृथ्वी समुद्र और सूर्य का क्या डायग्राम बन पाएगा, निशा जी रात को होती है 9 बजे क्लास, बेटा बताया तो रात को 9 बजे से क्लास रहती है इसी चैनल पर। हो गया, देखो यार अब ये बताओ मुझे, पृथ्वी के अंदर समुद्र है या समुद्र के अंदर पृथ्वी है, पृथ्वी के अंदर समुद्र है, ये तो सब जानते हैं कि पृथ्वी के ही अंदर समुद्र आता है, पृथ्वी का कम से कम 3/4 जो भाग है ना, 3 भाग मान लो, 1/3 मतलब पूरा पूरा थर्ड पार्ट, जैसे 4 भाग हैं तो उसमें से 3 भाग तो ऐसे हैं जो कि पानी से घिरे हुए हैं, ठीक है, 75% से भी ज़्यादा है ना, 75% से भी ज़्यादा, ठीक है। तो पृथ्वी के अंदर आता है हमारा समुद्र सी, और सूर्य एक तारा है तो वो अलग हो जाएगा, मैंने कहा था उसके मूल स्वरूप के हिसाब से आपको आंसर करना है, ठीक है, ओके ओके। अनुज भाई डेली क्लास करा करिए, डेली क्लास में आया करिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर्स फीमेल्स एंड मदर्स बताइए, ये भी पढ़ाया हुआ है कि कैसे हम लोगों को मदर और फीमेल्स को रिलेट करना है या फादर को और मेल के साथ रिलेट करना है, पढ़ाया हुआ ना ये, इसको सॉल्व करो क्या आंसर होगा। निहाल भाई एक सवाल को तो सॉल्व कर लो, एक भी सवाल तो तुमसे सॉल्व हो नहीं रहे हैं, तेज और फास्ट की बात तो बाद में करना, एक सवाल तो सॉल्व कर ले मेरे भाई, तेज कराइए स्लो कराइए, सवाल तो एक सॉल्व करके बता दो। हो गया, चलिए ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, फीमेल्स को मदर्स के साथ और मेल को फादर के साथ कैसे रिलेट करना है वो ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। हाँ चलिए
देखिए एक्चुअल में जितनी भी मदर्स होती हैं, क्या इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? दुनिया की जितनी भी माताएं हैं वो सभी फीमेल्स हैं, अगर मैं ऐसा बोल दूं तो क्या ये सही है? बोलो इसको, ये सही है कि गलत है? उल्टा फॉलो नहीं करेगा, सीधा ही करेगा। यानी सारी मदर्स महिलाएं हैं लेकिन सारी महिलाएं मदर्स नहीं हैं, ये सीधा फॉलो करेगा कि नहीं करेगा बताओ? ये करेक्ट है? ऐसा बनाया जाएगा? हमेशा यही बनेगा कि मदर का फीमेल के साथ ये रिलेशन बनता है, ठीक है? और फादर का मेल के साथ भी आप ऐसे ही बनाइएगा। फादर है अगर तो वो सब मेल हैं, ऐसा कोई फादर नहीं है जो फीमेल हो, तो ये तो ऐसे ही बनेगा, फिक्स रहता है ये, ठीक है? मदर्स बनती हैं फीमेल के अंदर, फादर बनते हैं मेल के अंदर, ये फिक्स रहता है हमेशा इस वाले चैप्टर में, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। अब तो समझ ही गए होगे आंसर क्या बनाओगे। अरे अब ये बताओ यार, कुछ तो डॉक्टर्स भी हो सकते हैं ना, जैसे डॉक्टर्स कुछ हो सकते हैं ऐसे बनेगा डॉक्टर्स, क्योंकि कुछ डॉक्टर महिलाएं हो जाएंगी, कुछ माताएं हो जाएंगी, बचे हुए डॉक्टर मेल हो जाएंगे, तो ये आंसर करेक्ट है, ये गलत है, ठीक है? हाँ जी, डन डन हो गया ये, बताओ यहाँ तक डन है? क्योंकि डॉक्टर्स को तो अपन किसी में भी कंसिडर करते हैं, डॉक्टर तो मेल भी होते हैं, फीमेल भी होती हैं, डॉक्टर मदर भी होती हैं, डॉक्टर गर्ल्स भी होती हैं डॉक्टर, ठीक है? हो गया। विशाल भाई पूल का बहुत शौक है तो अनअकैडमी पे क्लास करने आया करो, वहाँ पे पोल सिस्टम होता है, ठीक है? वहाँ से आप आराम से पोल सिस्टम पे क्लास कर सकते हो, इसी के बाद रहती है 11 बजे से, जो अनअकैडमी क्लास रहती है ना वहाँ पे हम पोल करते हैं, यहाँ नहीं करते। 11 से रहती है क्लास और शाम को रहती है 4 बजे से, ठीक है? वहाँ पे आया करो, वहाँ पे पोल करा करो जितना मन चाहे, यहाँ पे नहीं करते, यहाँ तो ऐसे ही चलता है, पोल सिस्टम अनअकैडमी पे रहता है, ठीक है? चलो डन हो गया यहाँ पे। हाँ अब सारे लोग लाइक कर दो पहले, तो फिर आगे वाले क्वेश्चंस करें हम लोग। नहीं सी नहीं होगा इस वाले का, सी नहीं हो सकता यार, सी कैसे हो पाएगा? अगर सी होगा ना, ठीक है, सी अगर होगा तो फिर गलत हो जाएगा। सी का मतलब ये होगा कि दुनिया की कुछ ही माताएं ऐसी हैं जो महिलाएं हैं, फिर बाकी की माताएं कौन हैं? मेल हैं, पुरुष हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, ठीक है? अगर आप ऐसा बना दोगे ना, सपोज दैट, मान लो अगर आपने ऐसा बनाया, समझने की कोशिश करिए, अगर आप ऐसे बनाओगे मदर्स फीमेल, अगर आप ऐसा बनाते हो, इसका सेंस पता है क्या निकलेगा? कि सिर्फ कुछ ही माताएं ऐसी हैं जो फीमेल हैं और बाकी की माताएं कौन है? मेल, तो वो गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये वाला नहीं बना पाएंगे, ठीक है? चलिए बहुत ही बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, इसके अलावा वाले पे। ये बताइए भाई, नहीं भैया सेम कैसे करवाएंगे? अनअकैडमी पे अलग रहता है, सेम नहीं रहता, अलग रहता है। अर्थ और सन को प्लैनेट्स में कंसिडर नहीं कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अर्थ प्लैनेट होता है और सन एक स्टार होता है, दोनों अलग अलग होते हैं, अर्थ और सन को प्लैनेट्स में कंसिडर नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हाँ तो उल्टा फॉलो नहीं करेगा ना, यही तो बताया मैंने। अरे यार तुम लोग को एक चीज़ कितने बार समझानी पड़ती है, ओ गॉड। देखिए भाई मेरी बात सुनी, इस वाले डायग्राम का सेंस पता है क्या होता है? स्टार्टिंग में बताया था इसीलिए कहती हूँ लेट मत आया करो। इसका सेंस यही होता है कि सारा जो ए है वो बी के अंदर है। इस डायग्राम का सेंस है ऑल ए आर बी। इस डायग्राम का सेंस ये बिल्कुल भी नहीं, ऑल बी आर ए गलत, ठीक है? इस डायग्राम का सेंस है ऑल ए आर बी, सिर्फ सारे ए ही बी के अंदर है, सारे बी ए के अंदर नहीं है, ठीक है? तो इसका मतलब अगर हम लोगों ने मान लो ऐसा बनाया, अगर हम लोगों ने बनाया मदर, ठीक है, और हमने बनाया फीमेल, तो इस डायग्राम का सेंस ये हुआ दैट ऑल मदर्स आर फीमेल, ये राइट है। लेकिन इस डायग्राम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ दैट ऑल फीमेल्स आर मदर अगर हम बोलेंगे तो गलत माना जाएगा। उल्टा फॉलो नहीं करता है ये, सीधा फॉलो करता है, ठीक है? ये सीधा फॉलो जाता है, बाहर से अंदर फॉलो नहीं करता, अंदर से बाहर फॉलो करता है, ठीक है? ओके। अरे सिंचैन गधे, नीचे तुम्हारे कमेंट्स देख रही हूँ मैं, गधे सिंचैन, तुम्हारा जो कमेंट्स चल रहा है वो देख रही हूँ नीचे, सामने यहाँ लैपटॉप पे, और सामने कैमरा है, और ये मेरा बोर्ड है, सामने यहाँ लैपटॉप है मेरे सामने,
उसमें तुम लोग के कमेंट्स चल रहे हैं वो देख रही हूँ गधे, जो तुम बेबाहियात कमेंट कर रहे हो ना वो देख रही हूँ मैं नीचे, गधा नहीं तो। चले समझ में आ गया ये वाला डायग्राम का मतलब क्या था, कुछ लोगों को डाउट हो रहा था, सही है। देखो डाउट अगर है तो पूछना भी चाहिए, है ना, डाउट है तो पूछो, ये डाउट बिल्कुल सही है, कुछ वैलिड डाउट होते हैं वो सही रहते हैं, ठीक है। डाउट ये था कि मैडम सारी मदर्स तो फीमेल होती हैं, लेकिन सारी फीमेल तो मदर नहीं होती, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये सीधा फॉलो करता है, उल्टा वैसे भी फॉलो नहीं करता है, ठीक है। चलो ये तो हो ही गया, अब आते हैं अगले सवाल पे, इसको बनाओ। चलो मैडम आप नीचे क्या देख रही हैं, तुम्हारे कमेंट्स देख रही हूँ, और क्या, जो तुम लोग फालतू कमेंट्स कर रहे हो ना वो देख रही हूँ, ताकि किसी बेचारे बच्चे का जेन्युइन डाउट हो तो वो उसको बता दिया जाए। वेरी गुड ओम प्रकाश भाई, डेली आया करो पढ़ने के लिए, पहली क्लास है ना आज, डेली कंटिन्यू करिए 1 से 1.5 महीने, आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहली क्लास है, डेली डेली कंटिन्यू करो, डन। चलो देखो, पॉलिटिशियन यानी कि राजनेता, महिलाएं सारी तो नहीं होंगी, कुछ हो सकती है, कुछ महिलाएं राजनेता हो सकती हैं, तो आप ऐसे कैसे करोगे, ऐसे देखिए, महिलाएं कुछ राजनेता हो सकती हैं, पॉलिटिशियन हो सकती है, सारी नहीं हो सकती, ऐसे वाला। और कवि, कुछ कवि भी तो पॉलिटिशियंस हो सकते हैं, कुछ कवि भी तो राजनेता हो सकते हैं, कुछ राजनेता ऐसे भी होते हैं जो कवि होते हैं, सही बात है कि नहीं, कुछ राजनेता ऐसे भी होते हैं जो कवि होते हैं, सही है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, है ना, इस वाले डायग्राम का हम ये डायग्राम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि ये जो कवि है ना वो मेल पर्सन होता है, ठीक है, कवि मेल होता है, और जो फीमेल है वो कवित्री होता है, कवित्री, तो थोड़ा सा पार्ट आएगा, ठीक है, मेल है तो थोड़ा सा मेल पार्ट, पॉलिटिशियन के अंदर कुछ मेल कुछ फीमेल, और वुमेन भी कुछ पॉलिटिशियंस हो सकती हैं, सारी नहीं हो सकती, इसलिए ये वाला डायग्राम इन चारों में से सबसे बेस्ट डायग्राम आएगा, ठीक है ना। हाँ, वुमेन को कवित्री बोलते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में पोएटेस, पोएटेस भी बोलते हैं, ठीक है। नहीं, वेमेन मिडिल में नहीं हो सकती है, ना 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 ना, वेमेन मिडिल में नहीं हो सकती, फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि वेमेन को अपन को मेल के साथ नहीं रिलेट करना है, अलग अलग रहेगा, ठीक है। हाँ, ये वाली क्लास रोजाना होती है 10 बजे से, ये वाली क्लास रोजाना होती है 10:00 बजे से, शाम को होती है 9 बजे से, ठीक है, अलग अलग रहती है। चलो ये तो हो गया, इस पे तो किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, जल्दी कर लिया आप लोगों ने तो। देखिए भाई, जितने भी चोर हैं वो सारे अपराधी हैं कि नहीं, कुछ चोर नहीं, सारे चोर अपराधी होते हैं, ठीक है, सारे चोर अपराधी होते हैं, है ना। अच्छा, और पुलिस अलग है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इसमें भी कुछ लोगों को डाउट होगा, डाउट ये होगा, कुछ लोग बोलेंगे कि मैम पुलिस भी तो चोर हो सकती है, ऐसे तो तुम भी चोर हो सकते हो, है ना, कोई भी कुछ भी हो सकता है व्यक्ति, ठीक है, लेकिन उसका जो मैंने कहा था ना मूल स्वरूप, यानी कि जो उसका नेचर है, उसके हिसाब से अपन को करना है, आइडियोलॉजी के हिसाब से हमको करना पड़ता है। आइडियोलॉजी के हिसाब से का मतलब है हमें आइडियल आंसर देना है, आदर्श जो आंसर है, जैसे पुलिस है अगर तो वो अलग ही रहेगा,
क्योंकि हम एक्सेप्शन केस नहीं, एक आध ही होगा जो ऐसा होगा, ठीक है। एक्सेप्शन केसेस नहीं लेने, अपवाद नहीं लेने, जनरल वे में बात चल रही है, ठीक है, जनरल वे में बात चल रही है, नॉर्मल वे में बात चल रही है, ठीक है ना। तो जितने भी चोर हैं वो अपराधी की कैटेगरी में आएंगे और पुलिस को अपन अलग करेंगे, तो इसका आंसर पहला वाला बनेगा, ठीक है। हाँ, और डेली की क्लास का समय जो लोग पूछ रहे हैं, ये लिखा हुआ है भाई, डेली जो क्लास है ये समय लिखा रहता है, 10 बजे सुबह और रात को 9 बजे, ठीक है, लिख लो। अभी रात को 9 बजे वाले क्लास में 2 दिन से कैलेंडर भी चल रहा है, हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, और इस वाले क्लास में हम लोग कल से क्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आगे चले, पहले तो टाइमिंग लिख लो आप लोग, हाँ हम लोग को इस ऐसे क्वेश्चंस में आइडियोलॉजी के हिसाब से करते हैं, आदर्श के हिसाब से, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं कि सारे ही पुलिस चोर हों, तो अपवाद नहीं लेना है, हमें नॉर्मल वे में आइडियोलॉजी में बात करनी है, ठीक है। आ गई बात समझ में इसमें, चलो ठीक है। तो ये दोनों आपका जो रेगुलर क्लासेस हैं हमारे इस चैनल पर, उसका टाइमिंग लिखा हुआ है। अनअकैडमी का भी, ये अनअकैडमी का लिखा है 11 बजे का सुबह का, शाम का 4 बजे का, ये अनअकैडमी का टाइमिंग लिखा है, ठीक है। टेलीग्राम नाम ये लिखा हुआ है, टेलीग्राम पर इस नाम से मिलेगा, इसका आंसर करिए क्वेश्चन का। ये टेलीग्राम चैनल लिखा हुआ है, रितिका तोमर ऑफिशियल चैनल के नाम से टेलीग्राम पे मिलेगा। फ्री है भाई, फ्री है, अन अकेडमी पर सब्सक्रिप्शन वाला क्लास अलग होता है, फ्री वाला अलग होता है, मैं फ्री वाले की बात बता रही हूँ, ठीक है। फ्री वाला अलग रहता है, सब्सक्रिप्शन अलग रहता है, ये फ्री वाले क्लास का टाइमिंग बताया जा रहा है, ठीक है। अन अकेडमी पर अलग अलग रहती है, फ्री अलग, सब्सक्रिप्शन अलग, ठीक है। चलो सुनो इस बात को, अब ये वाला तो ईजी था यार, जितने भी इंजीनियर हैं वो सब इंसान हैं, चूहे तो इंजीनियर होंगे नहीं, तो सारे इंजीनियर इंसान हैं और ये चूहे हो गए, और किसी ने और कुछ तो नहीं लगाया था इसमें, कोई महानुभाव है जो दूसरा वाला है दूसरा लगा दिया हो, ऐसा कुछ तो नहीं है ना, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, आगे चले। ये अनअकैडमी के फ्री क्लासेस का टाइमिंग है, और फ्री वाला जो क्लास है ना वो आपका अब तो अनलिमिटेड हो चुका है वापस से, मतलब आप कितनी भी फ्री क्लासेस कर सकते हो अब अनअकैडमी पर, अनलिमिटेड। चलिए इसको बताइए, लैंग्वेजेस इंग्लिश और कैनाडियन, कैनाडियन कर लेना इसको, कैनाडियन, कैनाडियन और हिंदी में कर लेना कैनेडाई। अब करिए, सॉल्व करिए इसको। हाँ बिल्कुल, तुम्हारे विशाल भाई तुम्हारे प्लैनेट में करता होगा चूहा इंजीनियरिंग, तुम मंगल ग्रह से बिलोंग करते हो ना, पृथ्वी से नहीं बिलोंग करते, इसलिए तुम्हारे ग्रहों में चूहा करता होगा इंजीनियरिंग, है ना। तो अपने ग्रह के क्वेश्चंस करने के लिए यहाँ पे मत आइए, फिर मंगल ग्रह पे क्लास करिए, ठीक है। यहाँ वाले में नहीं करता है यार, सॉरी विशाल भाई, आप दूसरे प्लैनेट से बिलोंग करते, पता नहीं था मुझे। चलो हो गया, लैंग्वेजेस में दोनों आ जाएंगे बच्चे, इंग्लिश लैंग्वेज अलग होती है, कैनेडियन लैंग्वेज अलग रहती है, और भी लैंग्वेजेस है वो भी इसके अंदर आएंगी, ठीक है। डी वाला इसका आंसर बनेगा, ओके। नेक्स्ट एक और आया, टी है, कॉफी है, बेवरेजेस, बेवरेजेस का हिंदी लिखा है पेय पदार्थ, तो इसका डायग्राम क्या रहेगा चेक करो। चलिए डन यार, देखो टी हो चाहे कॉफ़ी हो, हैं तो दोनों पेय पदार्थ ना,
तो दोनों पेय पदार्थ के ही अंदर आएंगे, टी भी और कॉफ़ी भी। टी और कॉफ़ी दोनों ही अलग अलग रहते हैं लेकिन पेय पदार्थ के अंदर आते हैं, ठीक है। चलो ये इसका भी आंसर डी वाला बन गया। नेक्स्ट करिए, काउ क्रो मैन। मैंने कहा था प्रॉपर नाउन्स के बारे में बताया था, जो प्रॉपर नाउन होते हैं या किसी के नाम होते हैं तो वो किस तरीके से बनाए जाते हैं वो बताया था इसमें, तो इसका आंसर बताइएगा। हाँ, क्लास का टाइमिंग्स अगर सबको पता रहता है तो नोटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बिना नोटिफिकेशन के आ सकते हो। अदरवाइज़ आप टेलीग्राम पे आएंगे तो वहाँ पे आपको हर क्लास का लिंक टाइम से मिल जाएगा, ठीक है। मेरे क्लासेस का टाइमिंग है 11 बजे अन अकेडमी, 4 बजे अन अकेडमी फ्री क्लास, ये दोनों अन अकेडमी पर। इस चैनल पर सुबह में 10 बजे, रात को 9 बजे। टाइमिंग पता है, अपने आप आ जाया करो, नोटिफिकेशन का वेट मत करते रहिए। हो गया ना, ये तीनों प्रॉपर नाउन्स हैं, गाय अलग है, कौवा अलग है, आदमी अलग है, तो इसका आंसर सी बनेगा, क्योंकि तीनों ही प्रॉपर नाउन्स हैं, यानी कि एक इंसान है, एक जानवर है और एक चिड़िया है, ठीक है, ओके। चलिए आगे चलते हैं। वेजिटेबल्स, एनिमल्स एंड पोटैटो, इसमें भी वेजिटेबल का मतलब सब्जी है, सब्जियां या फिर सब्जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। थोड़ा लेट हो रहा है तुम लोगों का गुड मॉर्निंग, क्लास ख़त्म होने वाली है 5 मिनट के अंदर, थोड़ा जल्दी गुड मॉर्निंग कर लो अच्छा रहेगा, पूरी क्लास निकल गई 45 मिनट की। डन हो गया। देखिए पोटैटो तो वेजिटेबल्स के अंदर आएगा ही, थोड़ी देर पहले भी समझाया था, जितने भी आलू हैं सब के सब क्या होते हैं, वो सब्जी होते हैं। और एनिमल अलग हो जाएगा, पशु अलग है, तो इसका आंसर ये बनेगा। थैंक गॉड, धीरे धीरे समझ में आने लगा है ना, 10-15 सवाल कर लेते तो समझ में आ जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, बॉयज स्टूडेंट्स एंड एथलीट्स, लड़के छात्र और एथलीट। एथलीट्स वो होते हैं जो बहुत सारे गेम करते हैं ना, गेम्स खेलते हैं, एथलीट्स धावक, रनिंग वगैरह करते हैं, गेम्स खेलते हैं, स्पोर्ट्स खेलते हैं, उनको एथलीट्स बोलते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्या बात है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है यार, वेरी गुड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हो गया, देखो भाई लड़के छात्र भी हो सकते हैं और छात्र एथलीट्स भी हो सकते हैं, कुछ कुछ सभी नहीं, कुछ बॉयज़ स्टूडेंट्स हैं, सारे बॉयज़ स्टूडेंट्स नहीं है, कुछ स्टूडेंट्स ही एथलीट्स हो सकते हैं और कुछ एथलीट्स बॉय हो सकते हैं। इसका पहला वाला सबसे सिंपल डायग्राम बनेगा, ठीक है। बी वाला गलत है, बी नहीं बन पाएगा इसमें। चलिए ये बताइए, सबसे बढ़िया सवाल, करने लायक सवाल सॉल्व करो। गलतियाँ के चांसेस हैं इसमें ज़्यादा, सोच समझ के करिएगा। देखो जितने भी स्क्वायर होते हैं ना रीजनिंग में, वो सभी रेक्टेंगल्स होते हैं, रीजनिंग के हिसाब से ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स। उल्टा फॉलो नहीं करेगा, सीधा करेगा, सारे स्क्वायर को अपन रेक्टेंगल मान सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं और आयत की सिर्फ आमने सामने वाली। तो जब इसकी चारों बराबर होंगी तो ये आमने सामने वाले भी बराबर होंगी, यानी सारे स्क्वायर रेक्टेंगल में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। और रेक्टेंगल्स पॉलीगॉन के अंदर आएगा, पॉलीगॉन का मतलब होता है जिसमें भुजाएं हो उसी को पॉलीगॉन कहते हैं, जिस भी डायग्राम में भुजाएं हो उसे पॉलीगॉन कहते हैं, चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे रेक्टेंगल, चाहे ट्राइंगल, जिसमें साइड्स हो ना उसे पॉलीगॉन कहते हैं, जिसमें दो से ज़्यादा साइड्स हैं उसे पॉलीगॉन कहते हैं, ठीक है। तो सारे स्क्वायर रेक्टेंगल हैं और रेक्टेंगल और स्क्वायर दोनों ही किसके अंदर आएंगे, पॉलीगॉन के अंदर आएंगे, ठीक है। अब वैसे तो ये वाला जो डायग्राम है ना वो इस तरीके से बन सकता था, देखो ऐसे बन सकता था, पॉलीगॉन में दोनों आएंगे, स्क्वायर भी और रेक्टेंगल भी, ऐसा बन सकता था, लेकिन ये गलत है। ये इसीलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर जो है ना उसको हम पूरे को रेक्टेंगल के अंदर कंसिडर करेंगे, क्योंकि सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट एक और सवाल दूँ करने के लिए, इसको और कर दो, चलो देखते हैं अपना कितना समझ में आया।
चलो हो गया, मदर फादर अलग करिएगा, मेल फीमेल अलग होता है, मैंने कहा था मदर को अलग करिए फादर को अलग करिए, बीच में आएगा ग्रेजुएट्स, क्योंकि दुनिया में कुछ ही मदर्स ऐसी हैं जो ग्रेजुएट है, सारी नहीं है, और कुछ ही फादर्स भी ऐसे हैं जो ग्रेजुएट है, सारे नहीं हैं। ये डायग्राम इसका बनेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने बिल्कुल सही किया है, वेरी वेल डन गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क में रहेगा, इसके बाद का क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, और इस क्लास का समय 10 बजे का है, रात को 9 बजे भी इसी चैनल पर क्लास रहती है, वाईफाई स्टडी पे हमारी 1 घंटे। अभी अगली क्लास करना है तो 11 बजे से आइएगा फ्री क्लास में, 4 बजे भी अनअकैडमी पर, ठीक है। तो अनअकैडमी पे जुड़ जाइए 11 बजे, मेरा नाम सर्च कर लीजिए रितिका तोमर, और सीधे आप ऐड हो सकते हैं 11 बजे की फ्री क्लास में। आप लोगों का फ्री क्लास का जो 60 मिनट्स का लिमिट था वो भी हट चुका है ऑलरेडी, तो आप अब अनअकैडमी पे क्लास कर सकते हो, चाहे जितनी लिमिटेड अनलिमिटेड पहले जैसे करते थे वैसे, ठीक है। तो अभी फिलहाल से सेशन को लाइक शेयर कर दो, 5 मिनट रह गए हैं, अब अनअकैडमी पे जा रहे हैं हम लोग पढ़ने के लिए, ठीक है, ओके। तो ये दोनों आपकी इस वाले चैनल की क्लासेस हैं, ये दोनों अनअकैडमी की क्लासेस हैं, रितिका तोमर नाम सर्च कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, फ्री क्लास है अनअकैडमी पर, ठीक है। अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है अनअकैडमी तो देखिए मैंने बता दिया, मेरे नाम से आप सर्च कर सकते हो एंड ज्वाइन कर सकते हो। 11 बजे की क्लास के लिए मेरा नाम डायरेक्टली सर्च करके फॉलो करें, या फिर इस वीडियो के नीचे जो आप वीडियो देख रहे हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, ठीक है। अगर आप प्लस के कोर्सेज पे ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आइकॉनिक फीचर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं, रेज हैंड कर सकते हो, लाइव क्लासेस में कुछ भी पूछ सकते हो अपने टीचर्स से। तो डिस्काउंट के लिए आपको कोड क्या लगाना है, रितिका10, जहां आपको ये फीचर मिलेगा, आस्क अ डाउट वीडियो सॉल्यूशंस के साथ, ठीक है। डाउट पूछोगे तो वीडियो सॉल्यूशन से आपको सॉल्यूशन मिलेगा, और अगर 20% का डिस्काउंट चाहिए आपको तो यहाँ पर रितिका10 कोड लगाइए, आपका 20% डिस्काउंट हो जाएगा कॉइंस के साथ, कॉइंस के साथ यूज़ करना है इस कोड को, तब हो जाएगा, ठीक है। वीडियो में कुछ एरर है तो आप उसे रिपोर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्लास फिनिश करते हैं अभी, फिलहाल टाइमिंग हो चुका है 11 बजे वाली क्लास का, तो इसके अगली क्लास में आप लोग मिलिएगा 11 बजे के टाइमिंग पे, ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच, गुड डे, थैंक्स।